बीएसपी में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, अहम बदलाव हुए हैं। तीन राज्यों के चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक मैराथन बैठक की। 11 बजे से बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद वो बैठक रात के 9 बजे तक चली है। उसमें कुछ अहम बदलाव हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस पर बात करेंगे, उस बदलाव को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ और पॉलिटिकल खबरें बात कर लेते हैं। संसद का सेशन चल रहा था और आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से राफेल को लेकर कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस खेल रही है। न तो रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, न 2G में किसी को सजा हुई, न कोयला घोटाला में सजा हुई, न बोफोर्स में सजा हुई, न राफेल में सजा होगा। इन लोगों को सजा नहीं होता है, सजा लालू यादव को होता है। सजा जांच जो है वो मायावती के डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स, आय से अधिक संपत्ति के मामले में होती है। सजा जो है वो अखिलेश यादव पर होती है। तो ये सब साजिश समझिए। और कांग्रेस का खेल देखिए, आज एक वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। कांग्रेस में 68 68 के करीब SC ST के सांसद बने हैं और CM जब किसी OBC को बनाना होता है तो कितना घंटों का मैराथन चलता है, और जब सवर्ण को CM बनाता होता है तो 2 मिनट में मामला सामने आ जाता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को घोषित कर दिया, और जब बघेल साहब को CM बनाना था तो वहां वोटिंग कराई जा रही है। मतलब SC ST OBC के आपस के नेताओं को ही किस तरह से लड़ाया जाता है वो आप बीजेपी से सीख सकते हैं, और उसका कांग्रेस से सीख सकते हैं कि आपस में इनको कैसे लड़ाया जाता है। और हमारे लोग भी हैं वो उस तरह से सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, इस वजह से वो इसके शिकार हो जाते हैं। तो समझिए कि किस तरह की खेल चलती है। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वही वोटर हैं, 40% वोटर है, लेकिन उनके लोग जो हैं वो सांसद विधायक नहीं बन पाते हैं, मंत्री CM नहीं बन पाते हैं। लेकिन जिस तरह से अब दलित समाज, खासकर बहुजन समाज के लोग, आदि ट्राई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग असर्ट कर रहे हैं, उसका असर राजनीति पर तो दिखने लगा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों पर, आदिवासी मीना समुदाय के लोगों पर जनरल की टिकटें दी जाने लगी है, जनरल से उनको टिकट मिलने लगा है। तो ये जो पूरा बदलाव हो रहा है सिर्फ बहुजन समाज की एकजुटता से हो रहा है, और ये पता है, भली भांति बहुजन नेताओं को पता है। और अब वक्त आ गया है कि वो इतिहास के स्तर पे, सामाजिक आंदोलन के स्तर पे अब खुल के उनको बात करनी पड़ेगी, तो भी उसको लोग वोट देंगे। नहीं तो जो एक दो नेता को प्रमोट करके बीजेपी भी वोट ले लेती है, एक दो नेता को प्रमोट करके कांग्रेस भी वोट ले लेती है। तो ये एक समझना पड़ेगा। तो बीजेपी में इस BSP ने इसी बदलाव को समझते हुए अहम फैसले किए हैं, बड़े फैसले किए हैं। और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी हैं हेमंत कोयमा, उनको बनाया गया है प्रदेश का अध्यक्ष, और रीजनल नेताओं को जिस तरह से तरजीह दी गई है तो दाऊ राम रत्नाकर जो होंगे वो प्रभारी होंगे। मतलब अब छत्तीसगढ़ में दिल्ली से गए नेता का बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा, वो सीधे आला कमान BSP सुप्रीमो मायावती और दाऊ राम रत्नाकर और हेमंत कोयमा जो कि वहाँ के आदिवासी हैं वो BSP के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और दाऊ राम रत्नाकर साहब जो हैं वो प्रभारी होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान में वही टीम रहने दी गई है जो BSP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रामजी गौतम साहब, जो उनके अध्यक्ष थे मेघवाल साहब, श्री रामजी मेघवाल, वो तमाम लोगों को कंटिन्यू रखा गया है। जो प्रभारी थे उनको कंटिन्यू रखा गया है, और अशोक सिद्धार्थ को और ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव किया गया है, जिस तरह से वहाँ पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले बार से खराब रहा तो वहाँ बहुत बदलाव किया गया है। स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो उनको चेंज कर दिया गया है, और DP चौधरी होंगे वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट। और प्रभारी जो होंगे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं BSP के, जिन्होंने शानदार काम किया था मुनकाज साहब के साथ मिलके, सिद्धार्थ जी के साथ मिलके, रामजी गौतम, तो उनको जो है वो मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है। और साफ साफ कहा गया है, कल मेरी उनसे बात हो रही थी, कि 50% युवाओं को जोड़ने के लिए उनको कहा गया है, और बहुजन समाज ने साफ साफ रास्ता खोला, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। अतर सिंह राव को भी वहां से जोड़ा गया है जो हरियाणा के प्रभारी हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं 2019 को देखते हुए, और विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो पार्टी के स्तर पर जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे बताया गया है, कि 50% जो है वो युवाओं को सीधे जोड़ा जाएगा BSP से, SC ST OBC माइनॉरिटी और जो भी बहुजन समाज, सवर्ण सर्वण समाज से लोग होंगे जो बहुजन आंदोलन को समझते हैं, अम्बेडकरिज्म को समझते हैं, उनको पार्टी में जगह दी जाएगी।
और ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो रामजी गौतम को दी गई है और वो इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो कई बड़े बदलावों से बीएसपी गुजर रही है, उसको आप समझ सकते हैं। जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी उसके बाद से तय हुआ है, पार्टी के परफॉर्मेंस को अध्ययन किया गया है। मैं उस दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को निकलते हुए देखा था, तो वो उस तरह से आज एक नई जानकारी मिली कि जब बीएसपी पार्टी बनी थी तो उसके जो कैंडिडेट खड़ा होते थे उनके पास साइकिल होता था और उनको सुरक्षा मिले, उस साइकिल से कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते थे उनको भी ये बीजेपी और कांग्रेस वाले, उस समय कांग्रेस का बड़ा असर हुआ करता था, कांग्रेस के जो लोग थे वो बीएसपी के कैंडिडेट को धमकी देते थे मार देंगे, तो उनको दो गनर मिलता था और जो कैंडिडेट होता था वो एक गनर को पीछे और एक गनर को आगे बैठा के साइकिल से अपना कैंपेन करता था, चुनावी प्रचार करता था। आज थोड़े हालात बदले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हालात नहीं बदले हैं। तिजारा से जो जो विधायक हैं बीएसपी के जो जीते हैं राजस्थान में, उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ है, एक बड़ी खबर आ रही है। और अभी भी उसी तरह से जो है बहुजन समाज के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन अब समाज में बहुत बदलाव हुआ है और जिस तरह से युवाओं को जोड़ने की बात हो रही है उससे साफ है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए हैं और वो लगातार जो है वो मजबूत हो रहे हैं और अपनी पार्टी को लेकर और कार्यकर्ता मजबूत हो रहे हैं। एक मुझे ओबीसी के जो विधायक जीत के आए हैं नदवई से, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी पर जेसीबी चढ़ा दिया गया, वो मैंने वीडियो भी दिखाया था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बीएसपी ने अब एक नई रणनीति पर काम किया है और SC ST OBC माइनॉरिटी और बहुजन समाज के 50% युवाओं को जोड़ने का प्लान बनाया गया है। रामजी गौतम जो उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन एक मैं चाहता हूं कि अगर नेशनल दस्तक को अगर बहुजन समाज के नेता अभी उस सुप्रीमो तक अगर पहुंचा सके तो पहुंचाएं, उनसे बात करें कि जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग बाकी लोग कर रहे हैं उस तरह से बीएसपी को भी करना चाहिए। एक तो जो वो ANI को बुला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वो जो है ANI जरूर आए, लेकिन सोशल मीडिया जो बहुजन मीडिया है, जो मैं आज ताकत भी दिखाऊंगा कि किस तरह से द ग्रेट लीडर कांशीराम के जो जो आज ग्रैंड ओपनिंग हुई थी वो फिल्म को जो सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है उसमें जिस तरह से सोशल मीडिया की ताकत दिखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अगर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीएसपी के तमाम खबरें अगर सोशल मीडिया पर दी जाने लगे, एक छोट बहुत खर्चे का सवाल नहीं है, 4-5 लाख रुपए का सालाना खर्च, महीने का खर्च होता है, उससे एक सोशल मीडिया खड़ा किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी एक जो प्लस पॉइंट है बीएसपी के साथ कि इस देश के करोड़ों, मैं कह रहा हूं करोड़ों बहुजन युवा जो है वो खुद ब खुद अपना पैसा खर्च करके, अपना डेटा खर्च करके सोशल मीडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुजन समाज के की बातें करते हैं और अम्बेडकरिज्म आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, माननीय कांशीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। और मायावती के प्रति जो सपोर्ट दिखता है उससे साफ है कि जो युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनी है वो कारगर होती दिख रही है। और 2019 से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तय किया है कि हर स्टेट में कम से कम 2-3-4 सीटें जो हैं वो निकाली जाए, और उससे अगर वो 20 स्टेटों में भी 3-4 सीटें निकालने में कामयाब होती है तो आंकड़ा 100 के पार जाएगा बीएसपी का, और उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और बहुत ही जिम्मेदारी दी गई है। अगर पार्टी के प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो बहुत चिंताजनक नहीं होनी चाहिए। बीएसपी के जो प्रदर्शन को लेकर नुक्ताचीनी कर रहे हैं उनका स्वागत होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सोचिए कि इस देश में बीएसपी कितनी मजबूत पार्टी है, इसका अंदाजा लगाइए कि वो पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ती है, ताकत से, मतलब पहली जहां भी लड़ती है कुछ ना कुछ सीटें निकालती है। अगर आप कैडर के हिसाब से देखेंगे तो बीएसपी के पास सबसे ज़्यादा 30% से ज़्यादा कैडर वोट है जो उसकी ताकत है। उसी तरह से आप देखेंगे कि आप समझ लीजिए बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी अमीर पार्टी है, कितना संसाधन वाली पार्टी है, लेकिन वो TR तेलंगाना में सीट नहीं जीत पाती है, बीजेपी मिजोरम में सीट नहीं जीत पाती है। तो ये बात समझना पड़ेगा आपको कि बीएसपी के साथ ये समस्या नहीं है, वो अगर प्लानिंग करके और उसको अगर ऐसे कैंडिडेट मिले जो बीके नहीं, डरे नहीं और धोखा न दे, तो बीएसपी का जो कैडर वोट है, जो उनके कैडर समर्थक हैं, पैन इंडिया है, पूरे देश में है, और अगर वो बीएसपी अगर ताकत से चुनाव लड़ लेती है तो मैं भरोसे से कह रहा हूँ 3-4 सीटें लोकसभा का निकालना उनके लिए बहुत आसान खेल होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये एक बड़ा पक्ष है जो मैं आपको बताना चाह रहा था और बीएसपी इस पर काम कर रही है। और उसको कहा गया है कि 50% युवाओं को जोड़ा जाएगा, उसमें टेक्नोक्रेट होंगे, तमाम तरह के जो बहुजन आंदोलन के युवा, अगर आप भी बीएसपी से जुड़ना चाहते तो जरूर उसकी मेंबरशिप लीजिए और संपर्क कीजिए अपने अपने जिलाध्यक्षों से, अपने अपने स्टेट प्रेसिडेंट से। लेकिन बीएसपी के लिए खास जो एक बात है
कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासित पार्टी है, आपको पार्टी लाइन पे बात करनी पड़ेगी, आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, आप जिस तरह से अलबल आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत डिसिप्लिन है, अम्बेडकरी आंदोलन को समझते हैं, बहुजन आंदोलन को समझते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय समझते हैं और डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं। तो आप बीएसपी से जुड़िए और 50% युवाओं को जोड़ने का प्लान जो है वो चल रहा है और आपको एक दो महीने में कुछ बड़े फैसले भी मिलेंगे जिसे नेशनल दस्तक आपको बताता रहेगा। तो युवाओं के लिए बड़ा मौका है और बहुजन समाज में जो बदलाव हुआ वो भी मैंने बताया और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुजनों की तरक्की तभी होगी, बहुजनों को अधिकार तभी मिलेगा, बराबरी तभी मिलेगी जब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ सत्ता में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लोगों से बात कीजिए और एक आज खबर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इस देश के पत्रकार लोग जो हैं वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, वो अपना चुनाव जो है वो किस तरह से बैलेट पेपर से करवाते हैं। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।